हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की बेटी ने तमिलनाडु चेन्नई में खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बल्लभगढ़ के सैनिक स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा डिंपल ने 48 किलो भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले वह इसी कैटेगरी में CBSE खेलों में गोल्ड हासिल कर चुकी है। वापस घर लौटने पर स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्रा और उसकी मां को सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। डिंपल ने कहा कि अब उसका मकसद इंटरनेशनल खेलों में गोल्ड जीतना है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही है। वही डिंपल की मां ने निर्मला ने बताया कि उनकी बेटी ने उनका बहुत नाम रोशन किया है और उन्हें उम्मीद है आगे चलकर वो और मेहनत करेगी और गोल्ड जीतेगी। मेरा नाम डिंपल है, मैं 12th आर्ट्स में पढ़ती हूँ सैनिक पब्लिक स्कूल में। मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई, जो अभी तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैंने 4 लड़कियों को हरा के मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। किस कैटेगरी में खेले थे आप? मैं 48 केजी में खेली थी, 48 वर्ग में। स्कूल की तरफ से आपके साथ कैसा महत्व रहा? स्कूल मेरी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अभी मेरे हाल ही में प्रैक्टिकल भी चले थे और पेपर्स भी हुए थे, जिसके स्कूल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था और उन्होंने काफ़ी मदद की थी, जिससे मैं प्रैक्टिकल भी अच्छे से दे पाई और मैं गेम भी अच्छे से खेल पाई, जिससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम भी हुई। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, सुबह 4 बजे उठती है, अकेडमी जाती है, अकेडमी से आके स्कूल जाती है, फिर स्कूल से जाके फिर अकेडमी जाती है, बहुत ही मेहनत कर रही है। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल ने बात करते हुए बताया कि डिंपल उनकी स्कूल की बहुत ही होनहार छात्र है तथा कई सालों से कड़ी मेहनत कर रही है। हम सभी उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और हमें खुशी है आने वाले समय में वो और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, डिंपल एक बहुत ही होनहार छात्र है और वो हमारे स्कूल में आर्ट्स की स्टूडेंट है, 12th आर्ट्स में पढ़ती है और काफ़ी दिन से और बहुत कई सालों से वो तपस्या कर रही है और आज ऐसा नहीं है, CBSE में भी उसका गोल्ड मेडल था और आज खेलो इंडिया में भी उसका ब्रॉन्ज मेडल है। हमें उम्मीद तो गोल्ड और सिल्वर की थी कि गोल्ड या सिल्वर तो पक्का था, बट कहीं ना कहीं हमसे शायद चूक हुई है, बट फिर भी हम बच्चे का हौसला अफजाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं। आज हम डिंपल ने हमारे स्कूल में आकर झंडा फहराया। इससे पहले हमारे स्कूल में श्री सिंगराज अधाना, जो कि ओलंपिक में मेडलिस्ट है, वही झंडा फहराते थे और आज हमारी बेटी ने झंडा फहराया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। उनकी माताजी को भी हमने बुलाकर सम्मानित किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ माता निर्माता भक्ति। तो माता पिता गुरुजनों, ये इन्हीं लोगों का सामनिध्य होता है, इन्हीं लोगों का साथ होता है किसी बच्चे को बनाने में।